ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਧਰ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਇਧਰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਕੁਵਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ जब तक सूरज चांद रहेगा डोगरा तेरा नाम रहेगा डोगरा साहब अमर रहे डोगरा साहब अमर रहे डोगरा साहब अमर रहे एक धर राजी डोगरा अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा डोगरा साहब का नाम रहेगा। उस महान नेता को जिन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर बतौर एमपी हमारे रियासत की हमारे इलाके की हमारे लोगों की हर ढंग से बेहतरीन ढंग से खिदमत की सेवा की आज हम उनको याद कर रहे हैं और ये सब मिलके यहाँ पर हर साल हम उनका दिन मनाते हैं। आज जन्मदिन था उनका, आज 106 साल 6 माह उनका जन्मदिन है। तो उन्होंने जिस ढंग से ईमानदारी से और बगैर किसी लालच के लोगों की खिदमत की, उन्होंने हर आदमी को चाहे वो किसी भी जात बरादरी का था, चाहे गरीब था चाहे अमीर था, हर आदमी की उन्होंने हर ढंग से मदद की। हम आज के दिन यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रूह को शांति मिले और हमें ये ताकत मिले कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर ईमानदारी से लोगों की बेहतरी की खिदमत कर सकें। एक दूसरी बात यह है कि आज जन्मदिन पे हमारे डोगरा साहब के जन्मदिन पे हम सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि बगैर किसी देरी के आप यहाँ पर हमारे स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और रियासत में जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएँ ताकि लोग अपनी मर्जी से अपने मनपसंद नुमाइंदे चुन सकें और जो जो यहाँ पर सरकार बने वो लोगों की बेहतरी ढंग से खिदमत कर सके। क्योंकि आज के दौर में जिस ढंग से ये काम चल रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, करप्शन का बोलबाला है और लोग परेशान हैं। और अगर आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों की बेहतरी चाहती है तो बेहतरी लोगों की इसी में है कि हमारी रियासत का दर्जा बहाल हो जाए और यहाँ पर चुनाव हो जाए और लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुन सकें।